Good morning, students. Today we will start exercise 11.4 of chapter 11 algebra. So आज के इस वीडियो में हम exercise 11.4 discuss करेंगे. हमारी exercise 11.4 का first question है answer the following. Question first में हमें कुछ cases given है. उन cases की study करके जो भी हमें cases given उनके हमें answers करने. तो first देखते हैं A क्या है. Take Sarita's present age to be Y years. सरिता एक गर्ल है जिसके हमें प्रेजेंट एज कितनी लेनी है वाई ईयर से लेनी है और उसको देखते हुए हमें आगे के क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं. तो हमने सरिता की प्रेजेंट एज हम क्या लेके चलेंगे वाई ईयर्स लेके चलेंगे. फर्स्ट क्या गिवन है व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ. देखो सरिता की प्रेजेंट एज कितनी है अभी की एज कितनी है उसकी वाई है. तो आज से 5 साल बाद ठीक है आज से 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी जो उसकी प्रेजेंट एज होगी उसमें हम 5 ऐड कर देंगे तो हमको उसकी एज पता लग जाएगी 5 ईयर फ्रॉम नाउ. तो अभी उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 5. हमें पहले ही बोल दिया है कि हमें सरिता की प्रेजेंट एज कितनी लेनी है 5. आज से 5 साल बाद कितनी होगी y plus 5 कितनी होगी y plus 5 ईयर्स ठीक है. तो यहां पर क्या बन गया आंसर y plus 5 ईयर्स. सेकंड हमें क्या गिवन है व्हाट वाज हर एज 3 ईयर्स बैक कि उसकी क्या एज थी 3 साल पहले. तो अगर उसकी प्रेजेंट एज y है तो आज से 3 साल पहले उसकी एज क्या होगी ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे उसकी प्रेजेंट एज में से 3 माइनस कर देंगे. तो अगर हमने उसकी प्रेजेंट एज में से 3 माइनस कर दिया तो हमारे को उसकी एज पता लग जाएगी 3 साल पहले की 3 इयर्स बैक की. थर्ड हमें क्या गिवन है सरिताज ग्रैंडफादर्स इज 6 टाइम्स हर एज व्हाट इज द एज ऑफ हर ग्रैंडफादर. क्या बोला है कि उसके जो ग्रैंडफादर है उसके जो ग्रैंडफादर है वो उसकी एज के 6 टाइम्स है. उसकी अगर एज y है उसकी प्रेजेंट एज अभी कितनी है y है तो उसके जो ग्रैंडफादर है वो उसके 6 टाइम्स है. 6 टाइम्स हो गए तो इसका मतलब 6y. तो उसके ग्रैंडफादर की एज क्या है 6y इयर्स. कैसे निकालेंगे हम 6y इयर्स. फोर्थ पार्ट में ये गिवन है ग्रैंडमदर इज 2 ईयर यंगर देन ग्रैंडफादर व्हाट इज ग्रैंडमदरस एज. अब जो सरिता की ग्रैंड मदर है वो 2 ईयर यंगर से मतलब 2 साल छोटी है किससे ग्रैंड फादर से. सरिता के ग्रैंड फादर से उसकी ग्रैंड मदर 2 ईयर यंगर है तो हमें ग्रैंड मदर की एज बतानी है. तो देखो अभी हमने निकाला कि जो ग्रैंड फादर थे वो ग्रैंड फादर की एज कितनी निकल के आई थी 6y निकल के आई थी क्योंकि वो उसकी एज के 6 टाइम्स थे. वो सरिता की एज के 6 टाइम्स थे तो ये एज हमने निकाली थी किसकी उसके ग्रैंड फादर की. अब ग्रैंड फादर की एज में से हम माइनस 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ग्रैंड मदर है वो 2 ईयर्स यंगर है. तो अगर ग्रैंड फादर की एज में से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसकी एज आ जाएगी ग्रैंड मदर्स की एज आ जाएगी. तो यहाँ पर क्या बनेगा एक्सप्रेशन 6y माइनस 2 ईयर्स. उसी तरह से फिफ्थ देखते हैं सरिताज फादर्स एज इज 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स सरिताज एज व्हाट इज हर फादर्स एज. सरिता के जो फादर है उसकी एज कितनी है 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स सरिताज एज. देखो इसको समझना है जो सरिता की एज कितनी है y उसके फादर उसके 3 टाइम्स है उसके फादर उसके 3 टाइम्स है और कितने ज्यादा है 5 ईयर ज्यादा है. तो 5 ईयर ज्यादा है तो ये किसकी एज आ चुकी है ये उसके फादर की एज आ चुकी है 5 प्लस 3 बाय ईयर्स. नाउ बी वाले केस पर आते हैं. बी क्या है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ द हॉल व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रेथ इज b मीटर. देखो क्या बोला है हमें लेंथ बोल रखी है रेक्टेंगुलर हॉल की कितनी 4 मीटर. 4 मीटर लेस देन है ब्रेथ की 3 टाइम्स के ठीक है. ब्रेथ की कितने टाइम्स के 3 टाइम्स के 4 लेस देन है क्या लेंथ. व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रेथ इज b मीटर. अगर ब्रेथ b मीटर है तो हमें लेंथ फाइंड करनी है. तो देखो ब्रेथ कितनी है ब्रेथ तो b है. ब्रेथ हमने कितनी ले ली b ले ली ठीक है. और लेंथ कितनी होती है लेंथ l है. l कितनी बोल रखी है कि जो ब्रेथ है जो b है वो कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है. तो 3b उसमें से 4 मीटर लेस देन उसमें से 4 मीटर कम है तो 3b में से 4 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी लेंथ आ जाएगी. तो लेंथ कितनी आ गई है l इक्वल्स टू 3b माइनस 4. c पर आते हैं अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज हाइट h सेंटीमीटर. एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की हाइट कितनी रखी है h सेंटीमीटर. इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ. Express the length and breadth of box in terms of height. क्या बोला है कि एक rectangular box है जिसकी height कितनी है x सेंटीमीटर है. उसकी जो length है वो 5 times है उसकी height की.
जो लेंथ है वो कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स है उसकी हाइट के, और जो ब्रेथ है वो 10 सेंटीमीटर लेस है किसकी, उसकी लेंथ के। तो हमें एक्सप्रेस करना है लेंथ को और ब्रेथ को इन टर्म्स ऑफ हाइट, ठीक है। तो जो रिलेशन निकलेगा वो किस में निकलेगा, एच में और बी में निकलेगा। तो लेंथ कितनी बोली है, लेंथ बोली है कि वो 5 टाइम्स है, ठीक है, 5 टाइम्स है ब्रेथ के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5h, ठीक है। और जो ब्रेथ है वो 10 सेंटीमीटर लेस है लेंथ, माइनस 10। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुकी है, यहाँ पर हमारे पास ब्रेथ आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ किसके, लेंथ एंड ब्रेथ इन टर्म्स ऑफ हाइट, कितना आ जाएगा, बी इक्वल्स टू 5h माइनस 10 सेंटीमीटर। Now let's come to the D. D क्या है? Meena, Beena and Reena are climbing the steps to the hilltop. Meena is at step S. Beena is 8 steps ahead and Reena 7 steps behind. Where are Beena and Meena? The total numbers of steps to the hilltop is 10 cm less than 4 times what Meena has reached. Express the total number of steps using X. देखो क्या बोला है, मीना, बीना एंड रीना क्लाइंब कर रही है किस पर, हिल टॉप पर, ठीक है। तो मीना क्या है, स्टेप्स एस है, मीना की जो स्टेप्स है वो क्या है, एस है। तो बीना 8 स्टेप आगे है किससे, मीना से, और जो लीना है वो 7 स्टेप पीछे है किससे, मीना से। तो हमें बताना है कि वेयर आर बीना एंड मीना, बीना और मीना कहाँ पर है। द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 सेंटीमीटर लेस देन 4 टाइम्स। अगर जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स है हिल टॉप पर पहुंचने के लिए वो कितने हैं, 10 लेस देन है 4 टाइम्स के, तो मीना कहाँ तक पहुंच चुकी है ये हमें बताना है, उसके स्टेप्स कितने हैं। एंड एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग एस, और हमें टोटल नंबर ऑफ जो स्टेप्स हैं उनको बताना है बाई यूजिंग एस। तो देखो हमें क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन देख रहे हैं कि जो स्टेप्स हैं मीना के वो कितने हैं एस, जो मीना के स्टेप्स हमने बोलिए 8, ठीक है। तो वो जो बीना के स्टेप्स, द स्टेप एट विच बीना इज इक्वल्स टू द स्टेप एट विच मीना इज, तो जो स्टेप्स है बीना के वो किसके इक्वल है, स्टेप्स एट विच द मीना इज, ठीक है। जहाँ पर मीना है उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, प्लस ए। देखो अगर मीना के स्टेप्स कितने हैं, एस है, मीना के स्टेप्स कितने हैं, मीना की हम बात कर रहे हैं, तो मीना के स्टेप्स अगर एस है तो जो बीना है वो उससे 8 स्टेप्स आगे है, तो एस में हम क्या ऐड कर देंगे, 8 ऐड कर देंगे। तो ये एस प्लस 8 हमारे पास किसके स्टेप्स आए हैं, बीना के स्टेप्स आए हैं, स्टेप्स आए, बीना के स्टेप्स आए। उसी तरह से अगर मीना के स्टेप्स एस है तो जो लीना है वो 7 स्टेप्स क्या है, उससे पीछे है, क्या है, 7 स्टेप्स उससे पीछे है। तो अगर मीना के स्टेप्स एस है तो लीना उससे 7 स्टेप्स पीछे है, तो इसका मतलब लीना के स्टेप्स कितने हो गए, एस माइनस 7। अगर हम टोटल स्टेप्स की बात करें तो जो टोटल स्टेप्स है वो कितने हैं, 4 टाइम्स, किसके 4 टाइम्स, मीना के स्टेप्स के 4 टाइम्स। तो मीना के स्टेप्स कितने हैं, एस है, उसका 4 टाइम्स है, और कितने लेस देन है, 10 लेस देन है, तो माइनस 10। तो टोटल स्टेप्स कितने आ गए, 4s माइनस 10। नेक्स्ट आते हैं ई पर। ई क्या है, अ बस ट्रेवल्स एट 3 किलोमीटर पर आवर, इट इज गोइंग फ्रॉम द स्कूल टू बी स्कूल, आफ्टर द बस हैज ट्रेवल्ड 5 आवर्स, बी स्कूल इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे, वॉट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल टू बी स्कूल, एक्सप्रेस इट यूजिंग वी। देखो क्या कह रहे हैं, एक बस से जो ट्रेवल कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर से, 20 किलोमीटर पर आवर से, तो ये हमें क्या कहना चाहिए, उसकी स्पीड दे रखी है, क्या दे रखी है, ये उसकी स्पीड दे रखी है, बस की स्पीड क्या दे रखी है, 20 किलोमीटर पर आवर। वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 10 फुट से 20 फुट जा रही है, जब बस आफ्टर द बस हैज ट्रेवल 5 आवर, जब बस 5 किलोमीटर चल लेती है तो उस वहाँ पर 5 घंटे चलने के बाद, सॉरी 5 घंटे को जब चल लेती है बस, तो 5 घंटे चलने के बाद जो 20 फुट है वो 20 किलोमीटर रह जाता है, ठीक है, 20 फुट कितने किलोमीटर रह जाता है, 20 किलोमीटर रह जाता है। तो हमें टोटल डिस्टेंस बतानी 10 फुट से 20 फुट तक, और इसको हमको यूज करना है वी की टर्म्स, मतलब हम जो इसको एक्सप्रेशन जो फॉर्म करेंगे वो वी की टर्म्स में हमें फॉर्म करना है। तो स्पीड हमें क्या रखी है, 20 किलोमीटर पर आवर, जो बस है वो ट्रैवल किस स्पीड के साथ कर रही है, 20 किलोमीटर पर आवर से कर रही है। अब जो डिस्टेंस है उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, उसकी स्पीड क्या है वी, और टाइम कितना लग रहा है उसको 5, तो कितना आ गया 5 वी, तो ये उसका डिस्टेंस आ गया। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगी, 5 वी प्लस 20, कितना करेगी, 5 वी 20, जब वो 5 घंटे कवर कर लेती है तो उसके बाद भी अभी 20 किलोमीटर दूर है, क्या चीज़ हमारा, 20 फुट, तो 20 फुट
पहुंचते पहुंचते उसको जो डिस्टेंस लगेगा, टोटल डिस्टेंस कितना लगेगा, 5V+20 किलोमीटर। ठीक है, तो ये था हमारा ई। अब यहाँ पर हमारी केस स्टडी खत्म होती है, जितने भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट हम इस एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं, इसके रिमेनिंग क्वेश्चन आप मुझसे ट्राई करेंगे। तो ये यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 11.1 खत्म होती है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट एक्सरसाइज जो कि हमारी 11.5 है उसको डिस्कस करेंगे।